हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेशा। आज हम पढ़ेंगे क्लास टू के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 15, वेदर्स एंड सीजन्स, यानी कि मौसम और मौसम। वेदर का मतलब भी मौसम होता है और सीजन्स का मतलब भी मौसम होता है। तो चलिए बिना देरी के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला सेंटेंस, चलो इसे पढ़ते हैं। द वेदर इज़ नॉट द सेम ऑन ऑल डेज, इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे। इट मे बी हॉट, कोल्ड, विंडी, क्लाउडी और रेनी। चेंज इन वेदर इज कॉज्ड बाय द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन। मतलब कि जो मौसम होता है वो पूरे दिन तक एक ही नहीं होता है। जैसे सुबह में ठंडी होगी, दोपहर में एकदम गर्म होगी और फिर शाम को बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और फिर रात में थोड़ी ठंडी होगी। इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे, और वो दिन पर दिन बदलती रहती है। किसी दिन गर्म, किसी दिन ठंडी, किसी दिन हवाएं वाली मौसम, किसी दिन बहुत ही बादल से घिरा हुआ मौसम, किसी दिन बारिश वाला मौसम। और जो चेंज इन वेदर इज़ कॉज्ड बाय द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन। और जो मौसम में बदलाव आता है वो सूरज, हवा, बादल और बरसात से आता है। When one type of weather continues for many days, we call it a season. और जब एक ही तरह का मौसम बहुत दिन तक रहता है तो हम उसे सीजन बोलते हैं। सीजन भी एक प्रकार से, हम सीजन को भी मौसम ही बोलेंगे। There are five different seasons in a year. एक साल में five different seasons होते हैं। Summer, monsoon, winter are the three main seasons in our country. और हमारे कंट्री में summer, monsoon और winter ये तीन प्रकार होते हैं ज़्यादातर मेन सीजन्स के। स्प्रिंग एंड ऑटम कम इन बिटवीन दीज थ्री मेन सीजन, और स्प्रिंग और ऑटम जो होता है वो इन तीनों सीजन्स के बीच में आता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है समर, हॉट और सनी, मतलब कि गर्मी का मौसम बहुत ही गर्म और सनी। इन समर द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली एंड इट इज़ वेरी हॉट, डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। वी स्वेट अ लॉट एंड फील थर्स्टी एट ऑल टाइम। वी लाइक टू हैव कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस। वी लाइक टू वियर कॉटन क्लॉथ। सम पीपल गो टू द हिल स्टेशन इन समर, हॉट विंड्स कॉल लू ब्लो इन समर। मतलब कि इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है गर्मियों के दिनों में जो सूरज है वो बहुत ही तेज़ी से चमकता है और बहुत ही गर्मी प्रदान करता है। पूरे जो दिन होता है वो बहुत लंबा होता है और नाइट जो रात होता है वो छोटा होता है। इस दिन हम बहुत ज़्यादा पसीने से भरे रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हमें इस दिन पसीना होता है। भाई गर्मी में तो पसीना होगा ही, और हम बहुत ज़्यादा प्यासा हुआ महसूस करते हैं पूरे समय। और हम इस मौसम में कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस पीना पसंद करते हैं। हमें इस मौसम में कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, यानी कि रुई के कपड़े। और कुछ लोग जो होते हैं वो हिल स्टेशन जाते हैं समर में, यानी कि जैसे मनाली हुआ, ये सब हिल स्टेशंस में आते हैं। और जब गर्मी में जब गर्म हवाएं चलती तो उसे हम लू बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉनसून, रेनी एंड क्लाउडी, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम और क्लाउडी मौसम। मॉनसून ब्रिंग्स रेन, और जो मॉनसून का मौसम होता है वो बारिश लाता है। द वेदर इज़ क्लाउडी एंड कूल, विंड्स ब्लो एट ऑल टाइम। वी कैन हियर थंडर एंड सी लाइटनिंग इन द स्काई। वी यूज़ एन अम्ब्रेला और वेयर अ रेनकोट एंड गमबूट्स व्हेन वी गो आउट, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। समटाइम्स वी सी अ रेनबो इन द स्काई। मतलब कि इस मौसम में जो बादल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी रहता है और ठंडी हवाएं चलती है सारे समय तक। और हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा, हम बिजली की कड़के सुनते हैं, और जो बादल है उसमें ढेर सारी लाइटनिंग होती है। मतलब बहुत ज़्यादा जब बिजली कड़कती है तो लाइट लाइट जैसा कुछ होता है ना, वही चीज़। और हम इस मौसम में अम्ब्रेला और रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं और गमबूट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तब हम अम्ब्रेला, रेनकोट और गमबूट्स का इस्तेमाल करते हैं। अम्ब्रेला को हम ऊपर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये लड़की लिए, और रेनकोट्स पहन लेते हैं और गमबूट्स पहन लेते हैं। वो जो रेनकोट्स, गम्बूट्स और अम्ब्रेला है वो हमें बारिश से बचाते हैं। समटाइम्स वी सी अ रेनबो इन द स्काई, और कुछ समय क्या होता है हम आसमान में रेनबोज भी देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विंटर, यानी कि ठंडी। वी फील कोल्ड इन विंटर, हम सर्दियों के मौसम में ठंडा फील करते हैं। डेज बिकम शॉर्ट एंड नाइट आर लॉन्ग, जो दिन होता है वो छोटा हो जाता है और जो रात होता है वो लंबा हो जाता है। माउंटेन्स एंड हिल्स एरियाज हैव स्नोफॉल, माउंटेन की जगह पर और हिली जगह पर, हिली प्लेसेस पर स्नोफॉल्स होते हैं। यूज़ ब्लैंकेट्स एंड क्विल्स टू कीप आवर सेल्फ वार्म,
और हम ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए. वी वेयर वुलन क्लॉथ्स एंड यूज हीटर्स और लाइट फायर टू स्टे वार्म. वी लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स एंड फूड. हम इस मौसम में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, यानी कि गर्म कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए. हीटर का इस्तेमाल करते हैं और आग का इस्तेमाल करते हैं गर्म रहने के लिए. और हम हॉट ड्रिंक्स और गर्म गर्म खाना और गर्म गर्म पानी पीना पसंद करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ऑटम, ड्राई एंड विंडी. यानी कि ऑटम के टाइम बहुत ही सूखा होता है और हल्की हल्की हवाएं चलती हैं. इन ऑटम द वेदर इज़ नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. इट इज़ ड्राई एंड विंडी. ड्राई लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज. ऑटम के मौसम में जो वेदर होता है वो ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है. इस समय बहुत ज़्यादा सूखी हवाएं चलती हैं और बहुत ही ज़्यादा सूखापन रहता है. ड्राई लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज. और जो सूखे पत्ते होते हैं वो ट्रीज से झड़ जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रिंग, यानी कि प्लीजेंट. बहुत ही शांत मौसम होता है. द वेदर इन दिस सीजन इज़ प्लीजेंट. इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. इट इज़ द सीज़न ऑफ फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज. स्प्रिंग इज़ कॉल्ड बसंत इन हिंदी. इस वेदर में जो मौसम रहता है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है, यानी कि शांत रहता है. और यहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ना तो ज़्यादा गर्मी होती है इस मौसम में. और इस सीज़न में फ्लावर्स और बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा खिलते हैं. फ्लावर्स और बटरफ्लाइज का मौसम होता है, ये बहुत सारी बटरफ्लाइज आती हैं. और जो स्प्रिंग होता है उसे हम हिंदी में बसंत बोलते हैं. लास्ट टॉपिक है हमारा साइकिल ऑफ सीज़न इन इंडिया. इंडिया में साइकिल सीजन्स मतलब कि किस किस प्रकार से मौसम कब कब आते हैं. विंटर जो है वो दिसंबर जनवरी और फरवरी के पहले हो जाता है. स्प्रिंग जो है वो फरवरी के बाद होता है और मार्च में होता है. समर जो है वो अप्रैल मई जून तक रहता है. मानसून जो है जुलाई अगस्त सितंबर तक रहता है. और ऑटम जो है वो अक्टूबर और नवंबर में रहता है. मतलब कि ये पाँचों के पाँचों किसी ना किसी महीने में आते हैं और ये है वो महीने. तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का. इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की एंडिंग होती है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.